राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे में राज्य के कई जगहों से ईवीएम के खराब होने की खबरें आ रही है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी ईवीएम में खराबी के चलते तकरीबन 3.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। सूबे में कहां कहां ईवीएम खराब मिली, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। पिछले 3 घंटे में करीब 22% वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें भी दिख रही हैं। वहीं ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायतें आने लगी हैं। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनें काम नहीं करने की खबरें हैं, जिसकी वजह से लोगों को मतदान करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालत यह है कि एक बूथ पर ईवीएम की खराबी की वजह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को वोटिंग के लिए 3.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेघवाल सुबह 8 बजे ही वोटिंग करने पहुंच गए थे, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के चलते 11:30 बजे मतदान कर पाए। वहीं ईवीएम मशीनों की खराबी की वजह से वोटिंग के लिए आई जनता में खासी नाराजगी देखी गई है। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय मंत्री वाले बूथ का ऐसा हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। इसके अलावा जालौर के आहोर में मतदान बूथ संख्या 253 और 254 पर ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग रुक गई, जिसके बाद मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं बीकानेर के बूथ नंबर 172 पर तकनीकी खराबी के बाद ईवीएम मशीनों को बदल दिया गया। वहीं बीकानेर के बूथ नंबर 172 पर भी ईवीएम मशीनों में खराबी देखने को मिली, जहां तकनीकी खराबी के बाद ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। वैसे पिछले कुछ चुनाव में ईवीएम में खराबी की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिससे न सिर्फ मतदान प्रक्रिया रुक जाती है बल्कि इससे मतदाता भी प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तो वोटर वापस चले जाते हैं। ऐसे में आए दिन ईवीएम खराब होने की दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है, ताकि मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।